हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश पंचाल एंड आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल अगेन. टूडे इन दिस मॉड्यूल वॉट वी आर गोइंग टू कवर इज द पोएम ऑफ क्लास 11, दैट इज द लेबनम टॉप, विच इज कम्पोज बाई टेड ह्यूज. इट इज अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड. यहाँ पर इस पोएम के बारे में हम एक रिलेशनशिप की बात करेंगे कि क्या रिलेशनशिप जो है वो लेबनम ट्री एंड गोल्ड फिंच बर्ड जो है उन दोनों के बीच में मेंटेन किया जाता है. और ट्री की अपन कुछ क्वालिटीज देखेंगे, उसका कलर क्या होता है, किस तरीके से वो रहता है, साइलेंट है, डेथ लाइक है, ठीक है, और बर्ड के आने के बाद वहां पे किस तरीके का मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है. तो इन सारी चीजों को अपन कवर करेंगे इस पोएम के अंदर. यहां पर मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी स्टेंजास को पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए कवर हो जाएंगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पोएम के बारे में, अबाउट द पोएट. द पोएट इज जेम्स ह्यूज. जेम्स ह्यूज के बारे में आपको कई सारी चीजें जाननी है. फर्स्ट थिंग दैट इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें सो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है एंड दैट पोस्ट इज कॉल्ड पोएट लॉरेट, ठीक है. अगर ये पोस्ट जो है वो अगर इंग्लैंड के अंदर किसी को मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं पर एक पोएट ने अपने जीवन काल के अंदर जितना भी बड़ा अचीवमेंट वो हासिल कर सकता है, समवेयर दैट पोएट हैज रिसीव दैट शॉर्ट ऑफ अचीवमेंट. एंड दिस पर्सन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज जेम्स ह्यूज, ही हैज ऑल्सो गॉट दिस अचीवमेंट एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द पोएट लॉरेट इन 1984 एंड ही सर्व्ड एज पोएट लॉरेट अंटिल हिज डेथ. ये बात हम उनके बारे में देखते हैं. और इसके बाद ही इज कॉल्ड एज बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन. उनकी जनरेशन के अंदर बाकी सारे भी पोएट हुए हैं उनके अंदर उनका नाम जो है वो बड़े ही रेस्पेक्ट से लिया जाता है और उनके वर्क्स जो है वो काफी एमिनेंट रहे हैं. सो हियर इट वॉज वॉट यू नीड टू नो अबाउट द पोएट जेम्स ह्यूज. Now let's talk about the stanza number first of the poem. Here you'll start with the Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing all its seeds fallen. Firstly, let us look on the of the about the Lebanon tree. How does it look like? ठीक है, ये आपके सामने जो इमेज नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये जो इमेज है वो किसकी है? लेबनम ट्री की है. अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस. आप देख सकते हो इसकी ब्रांचेस जो है वो काफी ज्यादा हैंग करती है, लटकती रहती है. येलो फ्लावर्स और साथ के में यहाँ पर आप देखेंगे इसके फ्लावर जो है वो येलो कलर के हैं. एंड पॉइजनस सीड्स, और इसके जो सीड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जहर होता है उनके अंदर, ठीक है. और यहाँ पर आपके सामने इसी जगह पर ये इमेज जो है जिसकी हम आगे बात करेंगे, ये गोल्ड फिंच बर्ड है. इसके बारे में भी आप कुछ चीजें देख लीजिए. यहाँ पे इसके विंग्स जो है वो येलो कलर के हैं. इसके बाद जिसके फेस के ऊपर एक स्ट्रीप जैसा ब्लैक कलर जो है वो अपन को नजर आता है. तो इतना हमको यहाँ पर जानना है इन दोनों पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जिनके बारे में पोम के अंदर डिस्कस करा गया है. अब देखो, द लेबनम टॉप इज साइलेंट. इसका जो टॉप है इसको ऑब्जर्व करा गया था कि काफी ज्यादा साइलेंट है, क्वाइट स्टील, बिल्कुल स्थिर है ये, है ना. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. सितंबर के अंदर सनलाइट का वो टाइम था और स्पेशली आफ्टरनून के अंदर आप देखते हो सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा अपन को नजर आती है. तो उस समय इस पोएम को कंपोज करा गया था. एंड व्हाट द पोएट ऑब्जर्व द क्वालिटीज ऑफ द ट्री वाज दैट इट वाज कंप्लीटली साइलेंट एंड इट्स लीव्स वर येलोइंग. उसकी जो लीव है वो काफी ज्यादा येलो हो रही होती जा रही थी और इसके सीड्स जो है वो पेड़ से निकलकर यहाँ पर नीचे गिर चुके थे, ठीक है. इतना यहाँ पर अपन को फर्स्ट स्टेंजा के बारे में जानना था. Now let's come and talk about the stanza number second. And firstly, let us look to the all difficult words which are used here in this stanza. Here, first word is the goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. उसके जो feathers जो होते हैं वो कौन से color के हैं? तो फिर yellow color के हैं. Next है twitching का means होता है sudden jerk movement. एक साथ एक rapid movement जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? Twitch करना. Next word is the chirrup. A bird making repeated high-pitched sounds. High-pitched sound होता है जो bird अपना बना है, जिसको अपन chirrup बोलते हैं. और next is startlement, जिसका मीन होता है feeling और showing sudden shock. एक अचानक से shock जो है उसको express करना, उसको हम क्या बोलते हैं? Startlement. Abrupt का मीन क्या होता है? Rapid. Chitterings का मीन होता है यहाँ पर to make chattering sound. यहाँ पे ऐसे कई सारे words हैं जो synonyms के तौर पे use हुए हैं, इनका मीन होता है chirrup, ठीक है. इसके बाद है ट्रेमर ऑफ विंग्स का मीन होता है इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स. वाइब्रेशन होना मतलब अगर आपके जो विंग्स होते हैं जो बर्ड्स के होते हैं
वो अगर बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हो रखे तो जिस समय वो अगर उन विंग्स को हिलाने की कोशिश करेंगे यू विल ऑब्जर्व अ सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन देयर इन दैट विंग्स। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ गया, ट्रेमर ऑफ विंग्स। ट्रिलिंग का मीन होता है टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड। देखो यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड है जिनका मीन जो होता है वो चिरप साउंड अपन को नजर आता है। पहला वर्ड हमारे सामने क्या हो गया, ट्रिलिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया चिटरिंग हो गया, इसके बाद चिरप हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो अपन को वर्ड्स हैं वो एक ही तरीके का मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं पर देते हैं। ट्रेम्बल का मीन क्या होता है, टू शेक। कोई चीज जो है वो कांपती है, हिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेम्बल बोलते हैं। और थ्रिल्स जो वर्ड है, अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रिलिंग मूवमेंट, आपने ऐसा जरूर सुना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम ऑन द स्टेंजा। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मीन्स क्या होता है, जर्क मूवमेंट, सडन जर्क मूवमेंट, एक मूवमेंट के साथ और उस चिरप की आवाज के साथ, जिस समय तक इस ट्री के ऊपर कौन आता है, गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो आता है, ठीक है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तो उस समय हम ऑब्जर्व करते हैं इस ब्रांच का जो एंड होता है वहां पर अपन को कुछ चीज नजर आती है, एक सडननेस का मीन होता है यहाँ पे, अचानक से, ठीक है। और स्टार्टलमेंट, पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस समय ये बर्ड जो है वो इस ट्री के ऊपर आके बैठता है तो उस समय वहां पर इस बर्ड के अंदर अपन को जो है वो हलचल नजर आती है, ये बर्ड जो है उसकी लीव्स जो है वो हिलने लगती है, तो ऐसे कई सारे मूवमेंट जो है वो अपन को नजर आते हैं, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, एक लिजार्ड की तरह काफी रैपिड मूवमेंट के साथ और बिल्कुल अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरलिंग्स। चिटरलिंग्स यहाँ पर एक मशीन की तरह स्टार्ट होना, मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर बर्ड आया है ये अपने जो यंग वंस हैं उनको यहाँ पे कुछ खिलाने के लिए अपन को ये आया हुआ नजर आता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ये जो उनकी पूरी मशीनरी होती है, इवन जो बर्ड हो गया और बर्ड के साथ जो उनके यंग वंस है, वहां पर एक शॉर्ट ऑफ, जैसे इंजन चालू होता है गाड़ी के अंदर तो अपन को क्या नजर आती है, एक आवाज नजर आती है, तो उसी तरीके से उन वहां पर उन बर्ड्स के लिए और उस पेड़ के लिए इंजन का काम कौन कर रहा है, वो जो ट्री अपना ये बर्ड है, गोल्डफिंच बर्ड, ओके। उसके आते ही उस पेड़ के ऊपर जो है वो हलचल जो है वो शुरू हो जाती है। ऑफ चिटरलिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और वहां पर उस विंग्स के अंदर अपन को ट्रेमर नजर आता है, शॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो उस समय अपन देखते हैं कि पूरा ट्री जो है उसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो कहीं ना कहीं पे एक एक्साइटमेंट जो है उस पूरे ट्री के ऊपर नजर आता है। तो एक बार फिर से स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। ब्रांच एंड के ऊपर अपन स्टार्टलमेंट देखते हैं, जिस समय वो आता है एक शॉक होता है, एक सडननेस होती है जब तक कि जो बर्ड है वो उस ट्री के ऊपर आता है, ठीक है। और किस तरीके से आता है, तो ट्विचिंग का मीन्स एक बहुत जर्क मूवमेंट के साथ आता है और वो भी अपनी चिरप की आवाज के साथ। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, एक लिजार्ड की तरह काफी स्लीक है, अलर्ट है एंड एब्रप्ट है। शी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, वो उस जो पेड़ की गहराई है उसके अंदर जाती है, तो उसी समय क्या होता है, वो जो मशीन है उस पूरे पेड़ की मशीन है जहां पर उसके यंग वंस होते हैं, उसकी लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, वो मशीन पूरी स्टार्टअप हो जाती है। मींस इस पूरे ट्री के लिए एक इंजन का काम जो है वो कौन कर रहा है, वो बर्ड है जो गोल्ड फिंच है। ऑफ चिटरलिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो ये अपन ने यहाँ पर ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर थर्ड की। तो यहाँ पर वही बात बताई कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और उसकी पूरी फैमिली के लिए इंजन का काम कौन करता है, जो गोल्ड फिंच बर्ड है। तो यहाँ पर देखना कुछ और वर्ड्स है, फ्लर्ट्स आउट का मीन्स लीड ऑन टू, स्टोक्स का मीन टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, एंड बेड का मीन्स होता है स्ट्रिपी, ठीक है, जहां पर अपन को धारिया नजर आती है। सी स्टोक्स इट फुल, वो क्या करती है, उसकी पूरी फैमिली के अंदर एक फ्यूल भरने का काम करती है, उसको एनर्जी देने का काम करती है, ठीक है। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड, और फिर ये क्या करती है, एक ब्रांच जो है उसके एंड के ऊपर चली जाती है, शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। देखो बेड का मीन्स क्या होता है, स्ट्रिप्स, मतलब उसके ऊपर थोड़ी सी, आपने देखा था जिस समय हमने बात करी थी इस बर्ड के बारे में, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका पूरा कलर जो है वो यूजुअली येलो होता है। और ये बात भी आपने ऑब्जर्व करी, जो लेबनम ट्री है उसके ऊपर फ्लावर्स का कलर जो है वो भी येलो होता है, तो ये जब इसके अंदर चली जाती है तो वहां पर इसकी पहचान जो है वो पूरी खो जाती है। बस एक चीज इसकी पहचान के नजर के तौर पर नजर आती है, जिसके अपन ये कह सकते हैं कि ये एक गोल्ड फिंच ट्री है, और ये कौन सा है, यहाँ पर इसका ये जो फेस है जहां पर अपन को ब्लैक स्ट्रिपस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेंजा नंबर थर्ड होता है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड, शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, वो छुप जाती है उसके अंदर, ठीक है। स्टेंजा नंबर फोर है,
अब देखो यहाँ पे ईरी का मीन्स होता है वियर्ड एंड स्ट्रेंज, काफी अलग तरीके का, अजीब तरीके का मूवमेंट जो है उसकी बात करेंगे अपन। विसल चिरप का मीन्स होता है चिरप तो करना, मतलब बर्ड्स की जो आवाज है लेकिन उसके अंदर अपन को शॉर्ट ऑफ विसल जो है वो भी अपन को सुनाई देता है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पे देखी। इसके बाद सबसाइड्स का मीन्स होता है डिमिनिशेस, वहां से गायब हो जाना, ठीक है। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और फिर क्या होता है, वो एक विसल चिरप के साथ बहुत विस्परिंग करते हो, विस्परिंग का मीन्स फुसफुसाना, ठीक है। शी लॉन्चेस अवे, वो क्या करती है, वहां से लॉन्च कर जाती है स्काई की तरफ, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट स्काई जो है उसकी तरफ वो चली जाती है, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लेबनम ट्री जो है जिसके ऊपर इतनी देर तक जो मूवमेंट आया था वो बर्ड का मूवमेंट, इसके बाद उसके जो यंग वंस है उनके बोलने की आवाजें, उनके चिरप की आवाजें, लीव्स जो है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर एनर्जी आ गई थी, वो खुद भी यहाँ पर हिलने लगी थी। तो ये सब कुछ मूवमेंट एक ही समय में आके रुक जाता है जिस समय जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो वहां से निकल जाता है। तो इतना अपन ने यहाँ पर इसके बारे में देखा। अब इसके बाद बात करते हैं हम इस पोम के अंदर कौन कौन से लिटरेसी डिवाइसेस जो है वो यूज हुई है। तो सबसे पहला हम बात करें तो एलिट्रेशन जो है उसका यूज अपन को देखने को मिलता है, जिसका मीन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स के अंदर उसकी बिगिनिंग के अंदर अपन को कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो नजर आता है तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप देखना, फर्स्ट है सेप्टेम्बर सनलाइट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एस और एस का जो है वो रेपिटेशन जो है वो अपन को नजर आता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं सिमिली, सिमिली का मीन्स क्या होता है, टू थिंग्स को जिस समय कंपेयर करा जाता है विद यूजिंग लाइक और एस, तो ये क्या बन जाता है, सिमिली बन जाता है। स्लिक एज अ लिजार्ड, हमने यहाँ पर उस बर्ड की क्वालिटी बताई कि वो रैपिड है किसकी तरह, एक लिजार्ड की तरह, मीन्स लिजार्ड इज बींग कंपेयर्ड हियर विद द गोल्ड फिंच, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है वो कंपैरिजन हुआ विद यूजिंग लाइक और एस, सो हियर सिमिली विल बी इंप्लाइड। थर्ड वन इज द मेटाफोर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन। देखो मेटाफोर और सिमिली के अंदर एक सिर्फ डिफरेंस ये होता है दैट इन सिमिली व्हेन वी कंपेयर टू द टू थिंग्स सो वी यूज लाइक एंड एस, बट इन मेटाफोर वी डू नॉट यूज दैट, ठीक है। बिटवीन टू थिंग्स जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड, एक क्वालिटी को कंपेयर करा जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एस। शी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स, मशीन क्या है यहाँ पे, उन सारे यंग वंस की बोलने की आवाज है और उनको यहाँ पर क्या गया, मशीन से कंपेयर करा गया उन बर्ड्स को, तो फिर यहाँ पर अपन ने एक चीज देखी, मशीन और बर्ड्स के अंदर कोई आप देख सकते हो एक तरीके से वो सिमिलर नहीं हो सकते, बट इवन आफ्टर दे आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक एंड एस, यहाँ पर आप देखोगे कोई भी लाइक और एस का इस्तेमाल यहाँ पर इस लाइन के अंदर नहीं हुआ है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर्ड टू द मशीन्स नॉइज, मशीन की नॉइज के साथ किसको कंपेयर करा गया, जो बर्ड्स का मूवमेंट है उसको अपन कंपेयर करते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो देखो यहाँ पर क्या है, उस पूरी गोल्ड फिंच बर्ड है उसको किससे कंपेयर करा गया, यहाँ पर एक मशीन से कंपेयर करा गया, और मशीन के अंदर जो उसका इंजन है वो कौन है, गोल्ड फिंच है, और पूरी मशीन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो लेबनम ट्री हो गया आपका, इसके बाद उसके जो यंग वंस हैं, उसके जो छोटे छोटे वहां पर बच्चे नजर आते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मीन्स जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन को अपन ह्यूमन क्वालिटीज बताते हैं। द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, देखो ट्री जो है वो ट्रेमल नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब ट्रेमल कौन करता है, इंसान करता है, कापना जिसको अपन कहते हैं, और थ्रिल्स, ट्रीज के अंदर किसी तरीके का एक्साइटमेंट नजर नहीं आता, बट इवन आफ्टर वॉट वी हैव डन हियर वी हैव गिवन द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन टू अ ट्री, सो हियर दैट विल बी कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, एक जो एडवर्ब है वो उस नाउन को जिस नाउन को उसको बताना था उसको ना बता के किसी और नाउन को बताती है, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। जैसे कि हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे क्या है, ये जो बेड है ये सीधा अप्लाई हो रहा है मास्क के ऊपर, जबकि होना किसके ऊपर चाहिए था, आइडेंटिटी के ऊपर, तो मतलब इसने अपने नाउन जो है उसको चेंज कर लिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है वो बोलते हैं। नाउ लेट्स लुक ऑन द समरी ऑफ द पोएम हियर। द पोएम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री whose stalk was still and silent, हमने देखा स्टार्ट होती है पोयम जो
वो लेबनन ट्री के टॉप से उसके डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है, वेयर वी ऑब्जर्व दैट इनिशियली इट वाज कंप्लीटली साइलेंट एंड डेथ लाइक, इट्स लीव्स हैड टर्न येलो एंड सीड हैड फॉलन डाउन, और उसकी जो लीव्स जो है वो नीचे कहीं ना कहीं पर येलो हो रही है और उसके सीड्स जो है वो नीचे गिर चुके हैं. इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर वेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टील एंड डेथ लाइक. ये सेप्टेम्बर का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम है, जिस समय अपन ने देखा कि ट्री जो है वो काफी स्टैंडली स्टेन था वहां पे स्टील कंडीशन के अंदर और काफी डेथ लाइक नजर आ रहा था, मींस वहां पे कोई मूवमेंट नहीं था. द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड. गोल्डफिंच बर्ड का जैसे ही अराइवल होता है वहां पे तो फिर वहां पे क्या होता है, मूवमेंट शुरू होता है. शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस. ब्रांचेस की थिकनेस जो है वहां पर कौन है, उसके यंग वंस है, उनको वो फीड्स करने के लिए खिलाने के लिए वहां पे आती है. द ट्री इज हर शेल्टर, और उस गोल्डफिंच बर्ड का शेल्टर जो है वो क्या है, वो ट्री है. शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चॉपिंग साउंड. चॉपिंग साउंड के साथ वहां पर वो ब्रांच के एंड तक आती है. शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रीकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजार्ड. लिजार्ड की तरह एक प्रीकॉशनरी अलर्ट मूवमेंट लेके वो ब्रांच के नेक्स्ट साइड में चली जाती है. एज सून एज शी अराइव्स हर यंगर वंस स्टार्ट चर्पिंग लाइक अ मशीन and vibrating and flapping their wings. उनके wings को flap करते हुए, vibrate करते हुए, machine का जैसा movement जो है वहाँ पे शुरू हो जाता है. The death-like tree becomes alive and it trembles and shakes. ठीक है? After feeding them, she flies to other side of the branch. Her dark-colored face with a yellow body was barely visible. वो सिर्फ चीज़ थी जो अपन को visible नजर आ रही थी. As she vanished behind the yellow leaves. ये tree जो leaves का color है वो भी yellow है और goldfinch bird का color है वो भी क्या है, yellow. तो कहीं ना कहीं पर उसके पीछे जाके वो छुप जाती है. She flew away in the sky, leaving the tree death-like once again. एक बार फिर से और इस वो वहां से चली जाती है और ट्री जो है वो फिर से एक बार डेथ लाइक जैसा हो जाता है. मीन्स जैसे उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है. ठीक है? तो यहाँ पर ये था आपका पोम का समरी, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके स्टेंजास और उनका एक्सप्लेनेशन. आई होप ये पोम जो है वो आपको समझ में आई होगी. और अगर आपको पोम समझ में आती है तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, जो नीडी है वहां तक जो है वो ये कंटेंट पहुंच पाए. क्योंकि आप जानते हो नेशन वाइज लॉकडाउन जो है वो अभी इम्पोज्ड है और कहीं ना कहीं पर स्कूल्स जो है उनके खुलने की संभावना काफ़ी कम नज़र आती है. तो जो बच्चे घर पर हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट जो है उस तक अपनी रीच जो है वो बना पाए. थैंक यू सो मच. उम्मीद है आपको एक कंटेंट समझ में आया होगा. फिर से एक बार मिलते हैं एक और नई फॉर्म के साथ. थैंक यू अगेन.